अप्रिलिया ने एक आधिकारिक वीडियो जारी किया है जिसमें नई अप्रिलिया 2660 नेकेड मिडलवेट मोटरसाइकिल की झलक देखने को मिली है। अप्रिलिया RS660 परिवार की 2.0 के इंजन की जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा दिखने और स्टाइलिंग में स्पोर्ट बाइक कैसी है, ये जानकारी भी ताज़ा वीडियो में मिली है। 2660 में समान सस्पेंशन, चैसी, ब्रेक और स्विंग आर्म दिए गए हैं जो RS660 से मिलते हैं। याद रखें, इसकी फेयरिंग को देखकर RS660 और इसके दमदार मॉडल अप्रिलिया RS V4 की याद आती है। आज लगातार 11वां दिन है जब भारत में तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है और इस बार पेट्रोल की कीमत 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 36 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत जहां 90 रुपये 19 पैसे पहुंच गई है, जो बीते दिन के मुकाबले 31 पैसे ज़्यादा है, वहीं डीजल की कीमत 33 पैसे बढ़कर 80 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर पहुँच गई है। इसी समय मुंबई में पेट्रोल के दाम कल के मुकाबले 30 पैसे बढ़ गए हैं और अब ये 96 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर का उछाल देखा गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 87 रुपये 67 पैसे हो गई है। बुएल मोटरसाइकिल ब्रांड 2021 में बाजार में वापसी करने वाला है और कंपनी 2024 तक 10 नई अलग अलग मोटरसाइकिल बाजार में लॉन्च करेगी। नई मॉडल में कई श्रेणियों के वेरियंट्स आएंगे जिनमें डर्ट, डुअल स्पोर्ट, टूरिंग और क्रूजर शामिल है। नए मैनेजमेंट की ओर से जारी एक बयान में सामने आया है कि लाइनअप में इस विस्तार के अंतर्गत छोटे और मध्यम आकार के इंजन शामिल होंगे। फिलहाल जिन मॉडल्स का उत्पादन जारी है वो 1190 प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। बुएल ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी दमदार प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहन लाने की नीति बना रही है और इसके लिए वो बाकी कंपनियों से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार है। EBR ने अब बुएल ब्रांड का नाम और ट्रेडमार्क खरीद लिया है और CEO बिल मेलविन की अगुवाई में आक्रामक प्लान लेकर कंपनी चल रही है। लेटेस्ट कार्स और लेटेस्ट बाइक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।